भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पुलकित हुड्डा नाम है मेरा, और NSUT में अभी एक सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, और अभी एक साल पहले मैंने अपना JEE मेन्स और JEE एडवांस देके आया हूँ। तो देखो भाई, तुम्हारे 45 डेज बचे हैं सिर्फ, और 45 डेज में तुम मैं तो कहता हूँ तुम सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करो, जो तुमने क्वेश्चंस तुमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ लिए हैं उनको बार बार रिवाइज करो, और एक्स्ट्रा न्यू कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, जो अपने पुराने तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं के ऊपर तुम नए नए हार्ड हार्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और कोई क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं बनता ना, कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं होता कि ये वाला नहीं हो पा रहा, तो उस पर ज़्यादा चिंता मत करो, उस पर ज़्यादा एफर्ट मत लगाओ, उसको बेशक छोड़ दो। तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तुम्हें यूँ नहीं करना कि एक ही क्वेश्चन पर जाकर अटक जाना। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फायदा होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारी कैलकुलेशन का रेट, और जितना तुम जी एडवांस में जो जो कैलकुलेशन होती हैं वो जल्दी जल्दी कर पाओगे, और उससे तुम्हारा ओवरऑल स्कोर जी एडवांस में बढ़ जाएगा। हेलो, आई एम जशनप्रीत सिंह फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट NSUT। तो गाइस, JEE एडवांस को सिर्फ 45 डेज रह गए हैं, और देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि देखो कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है अब से, ठीक है ना। और जो टेस्ट है वो वीकली में 2-3 तुम्हारे तो होने चाहिए, ठीक है ना। और उससे भी इम्पोर्टेंट, जब तुम टेस्ट दे के हट रहे हो, एक दिन पूरा एनालिसिस करना है, एक एक क्वेश्चन पूरा डेप्थ में करना है, क्योंकि JEE एडवांस इज अबाउट कि तुम कितना डीप में जा पा रहे हो। JEE में इसमें क्या था, तुम थे स्पीड, कितनी तुम स्पीड में क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो JEE एडवांस में तुमने एक यही चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई एक क्वेश्चन है, 2-3 मेथड से सोचो, पूरा जोर लगा दो, 1 घंटा लगा दो मतलब। और सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने, बस थोड़ा सा अब तैयारी तुम्हारी हो चुकी है, ठीक है ना। अब तुमने बस अपनी इम्प्रूवमेंट करना है और टेस्ट देना है, ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, माय नेम इज़ विकास एंड आई एम फ्रॉम IT ब्रांच। अभी लास्ट में 45 डेज के आसपास बचे हैं JEE एडवांस के लिए, तो मैं टिप देना चाहूँगा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो YouTube पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, वीडियोस मत देखो आखि आखिर में कैसे करें, क्योंकि उससे भी बेटर है कि कुछ खुद से ही सिलेबस कवर करो, जितना हो पाए अपनी तरफ से बेस्ट दो। थैंक्स। हाय, आई एम लविश, ब्रांच CSE। तो आखिरी के 35 दिन के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, दोस्तों की बात मत सुनो, खुद पढ़ो, अपना कम पढ़ो, उसको ढंग से पढ़ो, और दोस्तों के पीछे मत लगना, बिल्कुल खराब जाएगा JEE अपना, लिमिटेड सामान ही पढ़ो, बस सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आखिरी दिनों के लिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनायक गर्ग फ्रॉम CSE NSUT से। तो भी एडवांस आ रहा है 45 डेज में अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ उसके लिए। तो मतलब मेन तो यही है कि बस अपना PVAC करते रहो, इधर उधर से फालतू का मटेरियल मत करो, प्रीवियस पेपर करते रहो, हफ्ते में 1-2 टेस्ट दो जरूरी, बट बिना टेस्ट करो कुछ नहीं होगा, बस मेन मेन टिप है। थैंक यू। मैं दीपांशु बिसारिया, मैं CSE NSUT से हूँ। JEE एडवांस के लिए मेरी सिर्फ ये टिप होगी, आप बिल्कुल रिलैक्स रहकर पढ़ें, कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना लेके मेरा ये रह गया उसका, मेरे फ्रेंड मतलब फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा कि उसका इतना हो गया, उसका ये हो गया, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें, और नए कॉन्सेप्ट को लास्ट टाइम पर ना करें, पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें बार बार। मैं ये कहना चाहूँगा, इस टाइम पर आपके पास 45 डेज हैं, जो आपने पढ़ा था उसको ही स्ट्रॉन्ग करना, आप नए चैप्टर भी फोकस मत करना, जो मटेरियल आपके पास है उसको ही अच्छा करना, अगर फिटजी का है तो फिटजी के मटेरियल दोबारा लगा लो, उसके JEE एडवांस की स्पेशली जो PYQs है ना उनको 5-6 बार लगा लेना, मैं ये कहना चाहता हूँ। हे गाइस, माय नेम इज सुतेजव सिंह, आई एम फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट, करंटली इन स्टडिंग इन NSUT। तो आपके पता है जैसे JEE एडवांस आपके पास आ रहे हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बॉडी क्लॉक अपना मेंटेन करो, आराम से पढ़ो, अच्छी डाइट लो, वॉक पे जाओ, जिम करो, जो करना है करो, बस नॉर्मली अपना पढ़ते जाओ, एंड एट द लास्ट। हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष एंड आई एम फ्रॉम CSE ब्रांच। तो लास्ट के 45 दिन बचे हुए हैं आपके पास JEE की है, तो इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट टिप मेरी यही होगी कि आप अपने हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, और अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है कुछ बच्चों की तबीयत लास्ट के 45 डेज में ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी 2 साल की पूरी मेहनत बर्बाद चली जाती है, तो आप तो ऐसा करना नहीं चाहोगे, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने हेल्थ पे अभी से ध्यान दो, प्रिपरेशन में लगे रहो और रिलैक्स करो। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। सो हेलो एवरीवन, दिवेश हियर एंड माय ब्रांच इज ECE। सो लास्ट के 45 डेज के लिए आपको सबसे बेस्ट टिप मेरे हिसाब से यही होगी कि आप इजी के टॉपिक्स को तो बिल्कुल छोड़ के मत जाए एग्जाम के लिए, वो एकदम कवर करें, बिकॉज मुझे भी याद है मैंने अपने समय में नहीं कवर किया था और एग्ज़ाम में पूछ दिए थे और मुझे फिर बहुत रिग्रेट हुआ था, क्योंकि मेरे बाकी दोस्त सब बना के गए थे, और आपको पता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसमें कॉम्पिटेंट और डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो जैसे अगर मतलब आपके कम्पिटिटर्स अगर वो चीज़ सॉल्व कर ले रहे हैं और आप नहीं कर पा,
रहे तो आप पीछे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ईजी किल टॉपिक, जो ईजी टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट है उनका एक लिस्ट बनाना ज़रूरी है। उनका आप लिस्ट बनाइए, उनको 45 डेज तक रिवाइज करिए थॉरली, और एंड में एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, मुझे पता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई एडवांस।